नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो शनिवार के दिन घर पर नहीं लानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, अगर इन नियमों के मुताबिक आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो शनिवार को घर नहीं लानी चाहिए या इस दिन इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। पहली चीज है लोहे का सामान। भारतीय समाज में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि शनिवार को लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनिदेव कुपित होते हैं। इस दिन लोहे से बनी चीजों के दान का विशेष महत्व है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव की कोप दृष्टि निर्मल होती है और घाटे में चल रहा व्यापार मुनाफा देने लगता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव यंत्रों से होने वाली दुर्घटना से भी बचाते हैं। दूसरी चीज है तेल। शनिवार को तेल खरीदने से भी बचना चाहिए। हालांकि तेल का दान किया जा सकता है, ज्योतिष के अनुसार शनिवार को सरसों या किसी भी पदार्थ का तेल खरीदने से वह रोगकारी होता है और घर में रोग बीमारियां आती हैं। अगली चीज है नमक। शनिवार को नमक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर नमक खरीदना है तो बेहतर होगा शनिवार से के बजाय किसी और दिन ही खरीदें। शनिवार को नमक खरीदने से यह उस घर पर कर्ज लाता है। अगली चीज है कैंची। कैंची ऐसी चीज है जो कपड़े, कागज आदि काटने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। पुराने समय से ही कपड़े के कारोबारी, टेलर आदि शनिवार को नई कैंची नहीं खरीदते थे। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को कैंची खरीदने से रिश्तों में तनाव आता है। अगली चीज है काले तिल। शनिवार को पूजन में काले तिल का उपयोग किया जाता है। शनिदेव की दशा टालने के लिए काले तिल का दांत और पीपल के वृक्ष पर काले तिल चढ़ाने का नियम है, लेकिन शनिवार को काले तिल कभी न खरीदें। कहा जाता है कि इस दिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है। अगली चीज है काले जूते। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को न खरीदें। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले को कार्य में असफलता दिलाते हैं। अगली चीज है रसोई के लिए ईंधन। शनिवार को रसोई के लिए ईंधन, माचिस, केरोसिन खरीदना वर्जित है। कहा जाता है कि शनिवार को घर लाया गया ईंधन परिवार को कष्ट पहुंचाता है। अगली चीज है झाड़ू। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार को उपयुक्त नहीं माना जाता। झाड़ू घर के विकारों को बुहार कर उसे निर्मल बनाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, लेकिन शनिवार को झाड़ू घर लाने से दरिद्रता का आगमन होता है, इसलिए हमें झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए शनिवार को। अगली चीज है अनाज पीसने की चक्की। अनाज पीसने के लिए चक्की भी शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि यह परिवार में तनाव लाती है और इसके आटे से बना भोजन रोगकारी होता है। अगली चीज है लिखने के लिए स्याही। शनिवार को कभी भी स्याही न खरीदें। कागज, कलम और दवात आदि खरीदने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन गुरुवार माना गया है। अगर हम शनिवार को स्याही खरीदते हैं तो ये हमें अपयश का भागी बनाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद।